तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी अब तक की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आई है। नियमितीकरण को लेकर अस्थायी शिक्षकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नियमितीकरण पर मोहर लग चुकी है। भोपाल से लेटेस्ट अपडेट आया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के एक मामले में फैसला सुनाते हुए अस्थायी शिक्षकों के नियमितीकरण के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने के खिलाफ दाखिल की गई थी सरकार की तरफ से। हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किए गए अस्थायी शिक्षकों को पैट, पैरा, पीटीए और ग्रामीण विद्या उपासक पद नाम दिया गया था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में यह शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक एवं गुरुजी के समकक्ष माने जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने सभी शिक्षकों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शुक्रवार सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसला सुनाते हुए इन शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को अस्थायी शिक्षकों के हक में दिए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने 10 साल का सेवा काल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित किया था। 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लाया था। 22 जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दे दिए थे। वहीं साल 2002 में शुरू हुई थी अस्थायी शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश में स्थायी शिक्षकों की भर्तियां पिछले 17 वर्षों में हुई हैं। इनमें ग्रामीण विद्या उपासकों की नियुक्ति 2002 में हुई थी। इनकी संख्या करीब 1400 है। साल 2003 से लेकर 2007 तक 3409 प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हुई। वहीं 2004 में 2200 पैरा शिक्षकों की भर्तियाँ की गईं। 2006 से में 7500 पीटीए शिक्षकों की भर्ती भी की गई। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वान। हरियाणा सरकार ने अतिथि शिक्षकों के समकक्ष कर्मचारियों को नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद अब सभी शिक्षकों को नियमित किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अगर नियमितीकरण में कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो उसको लेकर वह भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और बेशक फैसला उनके पक्ष में आएगा।